for this uh, wonderful symposium and i can say without any ray of uh, doubt or contradiction that this symposium has set the stage for bringing the second green revolution in pakistan after the first in 1960s and i think and I think together we will, inshallah, make it happen in a manner which will be a roaring success through hard work and teamwork. मैंने इतनी बात अंग्रेज़ी में करनी अब मैं उर्दू में करना चाहता हूँ आपके लिए यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के हमारे खेती से सोना उगलने वाले हमारे किसान भाई बैठे हैं जो कि पाकिस्तान की जरात हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें आप जो शबाना रोज मेहनत करते हैं और पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को गजा फ्राहम करते हैं मैं समझता हूं कि आप की मेहनत शबाना रोज मेहनत न सिर्फ आज तक बल्कि आइंदा भी आपको पाकिस्तान के अजीम म्यामार गिने की तारीख मुझे इल्म है कि जहाँ पर आप इतनी मेहनत करते हैं वहाँ पर वसाइल की कमी जो साजगार हालात होने चाहिए ज़रात को तरक्की देने के लिए वो आपका हक है और हकूमत का फर्ज है कि वो आपके लिए तमाम वसायल बुरेकार लाए ताकि आप अपनी मेहनत से आप पाकिस्तान के अंदर जरात को तरक्की देने के लिए जो काविशें कर रहे हैं उसमें सही मानों में उसमें अल्लाह ते पाया फजल कर्म के साथ उसमें हमें तरक्की मिले और पाकिस्तान अपना असल मकाम हासिल करे इसके लिए जो सिपा सलार ने जो बात की कि ये वजीरजम का विजन है सच्ची बात करनी चाहिए पचहत्तर साल में ऐसे कई विजन्स आए और गए बड़े बड़े कागजों के पुलंदे फिजिबिलिटीज बनी लेकिन जो तरक्की का राज जिस बात में पिन्हा है वो है मुसलसल अमल अमल और अमल और मेहनत और मेहनत और मेहनत इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है ये आज साठ की दिहाई में जो जर तरक्की हुई थी उसने पाकिस्तान को हमसाए मुल्क से भी आगे पाकिस्तान चला गया दुनिया के कई ममालिक से आगे निकल गया हमारी पैदावार बढ़ गई बीज बहुत तवाना बीज वो मुहैया किया गया और डैम्स बनाए गए मंगला डैम तरबेला डैम और इस तरह दूसरे मनसूबे नहरें बनाई गई जिससे कि मुल्क के अंदर एक जरी इनकलाब आया उसके बाद मैं समझता हूं कि तारीख के कई अदवार में उतार चढ़ाव आते रहे लेकिन ये बात कि अगर हम किसान की जो मेहनत है मिसाल के तौर पर गंदम यकीन अगर किसान को अपनी गंदम की कीमत जो उसके ऊपर लागत आती है वो नहीं मिलेगी तो वो किसान वो गंदम पैदा नहीं करेगा वो किसी और वो जरी जेंट्स पैदा करेगा चले जाएगा मेज में या गन्ने में या किसी और लेकिन अगर किसान को कीमत मुनासिब मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह किसान बड़े शौक से मेहनत करेगा और गंदम की या अभी बात आज हुई कपास की उसकी पैदावार में दिन रात एक कर देगा मगर क्या यह काफी है मैं समझता हूं कि बात यहां पर मुकम्मल नहीं होती एक तो बात तय है कि किसान को उसका मुआवजा पूरा मिलना चाहिए जिस तरह इस साल गंदम की कीमत बढ़ाई गई तो अल्लाह ताला के फजल करम से दस साल में एक रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है इसी तरीके से जिस तरह कपास के बारे में आपने अभी सुना कि उसकी कीमत जो मिनिमम प्राइस उसकी बढ़ाई गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक माजी के कई सालों के मुकाबले में हमें कपास इन अल्लाह को मंजूर हुआ तो उसकी पैदावार पहले से अच्छी मिलेगी बट दिस इज नॉट एनफ असल बात अगर पाकिस्तान के अंदर एक जरिए इनकलाब आना है तो उसके लिए जिस तरह आपने यहाँ पर कई प्रजेंटेशन देखी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा उसके लिए यकीन एक का बहुत सेहतमंद बीज आपको मुहैया करना यह हुकूमत का फर्ज है उसके लिए खाद मुहैया करना वक्त के ऊपर यह हुकूमत का फर्ज़ है उसके लिए जो अद्वियात हैं कीड़े मकौड़ों के लिए वो बहुत सही होनी चाहिए कोई उसमें एडल्ट्रेशन ना हो ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और मैं समझता हूँ इसके अलावा जो आज के दौर में जो जदीद टेक्नोलॉजी है मैंने अभी चंद दिन पहले मैंने मैं वहाँ पर जनरल आसफ़ मुनर साहब की दावत पर गया तो बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दी इन्होंने रेल टाइम में वहां पर हमने देखा रेल टाइम में कि किस तरह वहां पर जरात के ऊपर मामूर लोग काम कर रहे हैं अगर पेस्ट वार्निंग है तो उसके लिए क्या निजाम है और अगर वार्निंग आई तो फिर किस तरह उसको रेल टाइम में किसानों को उसकी इतलात पहुँचानी है अद्वात वो मुहैया करनी है और मैंने मैंने ये कहा ये किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए हैं मैंने अदरा मजाक कहा वहाँ पे कि अगर पाकिस्तान में अगर जाली अद्वियात जाली अद्वियात अगर सिविल कोर्ट्स या के जरिए ख़त्म नहीं हो सकती तो फिर हमें जाली अद्वियात के ख़ात्मे के लिए आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर मुल्क के अंदर जो जो एक किसान की मेहनत है वो ज़ाय ना हो मैं खुद नुमाई की कोई बात नहीं करना चाहता एक बड़ा एक हकीद आदमी हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ला सतानवे से लेकर निन्यानवे तक जिस सूबे में मुझे मेरे कायद नवाज शरीफ ने जिम्मेदारी दी थी अपनी बेहतरीन टीम के साथ हमने जाली अद्वियात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था और अगर किसान जो है वो खाद भी डाले वो पानी भी लेके आए दिन रात मेहनत करे और जाली अद्वियात के हाथों किसान खुदा न खास्ता मारा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है किसान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है तो ये वो तमाम अवामिल हैं जो मिलकर हमें पाकिस्तान की ज़रात को दुनिया के नक्शे पे एक मुमताज़ मुल्क बना सकते हैं इस पर कोई दो राय नहीं मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ कि ये जो जिस वजन की सिपाही सलहार साहब ने बात की असल हकीकत ये है कि ये ये इनकी सोच थी इन्होंने मुझे मशरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए तो अगर वो इस वक्त जनरोसिटी से काम ले रहे हैं तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं लेकिन ये बात तय है कि हमें मिलकर आज मिलकर हमें इस बहुत बड़े विजन को अमली जामा पहनाना है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान सूबाई हुकूमतें जिसमें तमाम मुतलका इदारे रिसर्च सेंटर्स अब आप देखिए कि रिसर्च सेंटर्स कि अगर आप नाम लें तो बड़े 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 जबरदस्त रिसर्च सेंटर्स बनाए गए पाकिस्तान में अयूब रिसर्च सेंटर है पूरे पाकिस्तान के अंदर लेकिन वक्त के साथ साथ आपने देखा कि ये इदारे सब बैठ गए मैंने अभी तीन चार महीने पहले पांच छः महीने पहले मीटिंग की तो मैंने सारे जो एक्सपर्ट वाइस चांसलर साहेबान तशरीफ लाए थे और दूसरे एक्सपर्टिफ लाए थे जावेद साहब थे और बड़े बड़े जबरदस्त प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे तो मैंने उन सब की सामने बात की तो रिसर्च सेंटर्स को रिवाइव करने के लिए मुझे उन्होंने कहा कि हमें किसी ने कहा कि दस अरब रुपया एलोकेट कर दें पाँच अरब कर दें मैंने कहा हर चीज़ हर चीज़ मौजूद है अल्लाह ताला त फर्जो करम से हम हर चीज़ आपको मुहैया करेंगे लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये दिहाइयों से जो रिसर्च सेंटर्स बंद पड़े यहाँ पर बैठे हैं मेरे सामने बड़े इंतहाई मोहतरम इसम मौजूद हैं जिनका मेरे दिल में बेपना एहतराम है लेकिन क्या वजह है कि साठ की दिहाई के बाद ये तमाम इदारे बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार हो गए दुनिया आसमानों से बातें कर रही थी और हमारे रिसर्च सेंटर्स में कोई खास प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा था और वो जो मेरिट और हुनर और मेहनत और दयानत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों पर तबादले और भर्तियां हो रही थी यह है वो सबसे बड़ा नुकसान जिसने खाली जरात को नहीं पूरे पाकिस्तान के माशरे को पहुंचाया है कि हमने मेरिट को हमने हमने एक तरफ कर दिया और सिफारिश और अक्रबा बरवरी वो सिक्का राइजल वक्त बन गई और यही वजह है कि आज जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजे हैं 600 अरब रुपए पर हमारी जो हमारे जो बड़े रुस 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 ब्रीडिंग हो रही है जिसमें पीआई है जिसमें स्टील मिल है जिसमें बंद पड़ी मशीन टूल फैक्ट्री हैं, इलेक्ट्रिक फैक्ट्री हैं, पता नहीं क्या क्या तो मैं समझता हूं कि ये वो वजह है और जिस तरह शहबाज लार ने कहा कि कोई ना कमी है हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े अजहान हैं जराज़ जमीन है पहाड़ है मादनियात हैं हर चीज मौजूद है आज अगर हम इकट्ठे हुए हैं तो फैसला यह करना है कि इस विजन को हमने लेकर चलना है इकट्ठे होकर एक ही सब खड़े हो गए यूं महमूद ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज कि हमें मिलकर हमें यह करना होगा ये मैं और तुम नहीं बल्कि हम बनकर हमें इसको आगे लेके जाना होगा तो यकीन करके पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बन सकता है लेकिन बातों से नहीं अमल से और ये अमल का वक्त आ गया है इसलिए मैंने कहा है और मैं ये कह रहा हूं फिर के की चोट पर के मुझे ये नजर आ रहा है कि इन शाह ये दूसरा जरा इंकलाब पाकिस्तान में रूनमा होने जा रहा है और इसमें द होल ऑफ द गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वफाकी हुकूमत बाई हुकूमतें तमाम इधारे और फवाज पाकिस्तान और इनकी जो इस वक्त कमिटमेंट है वो इट इज़ वेरी इनक्रेजिंग एंड मैम आई गेट इमोशनल टाइम्स ये मिनिस्टर हमारे चीमा साहब बैठे हैं के इन थे बहुत इनको उसका जरात का इल्म है अब देखिए कि मुल्क के अंदर साढ़े चार अरब डॉलर का हमने खुरन तेल इम्पोर्ट किया ये मिनिस्टर बैठे हैं इंडस्ट्रीज इनको मुझे भिजवाना पड़ा वहां पर इंडोनेशिया गए थे आप और वहां पर क्योंकि उस जमाने में अपना बहुत ज्यादा दुनिया में अपना बंदिश थी और कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी ये जाके खुरदनी तेल लेके आए अब बताइए कि पाकिस्तान अगर साढ़े चार अरब डॉलर खुर्दनी तेल इंपोर्ट करने पर सर्फ करेगा तो फिर हमारा एक जो डेवलपिंग कंट्री जो है कहाँ जाएंगे हम ये जो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर पाम ट्रीज वो लग सकते हैं हमारे कनोला है हमारा सनफ्लावर है हम अगर हिम्मत करें कोशिश करें तो आज ये सेमिनार ये रवायती सेमिनार नहीं है आज ये सेमिनार एक जेनुअन एक एफर्ट के लिए यहाँ पर मनकद किया गया है कि इस कॉम में इस कौम को आगे लेके जाने के लिए देखिए वो जमाना था जब हम मुल्क से ज्यादा हम पैदा करते थे अभी आपको फिगर्स बता दिए गए मैं उसको रिपीट नहीं करता हम गंदम में भी पर एकड़ यील्ड में हम कम हैं से ममालिक गन्ने में भी कम हैं हम कपास में भी कम हैं तो बताइए कि वो मुल्क पाकिस्तान खुदादाद मुल्क पाकिस्तान जिसको अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया तो आज जिस जगह पर हम खड़े हैं मैं समझता हूं कि उसको बदलने के लिए अल्लाह तमाम वसाइल दिए हैं द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज द वेल टू डू और अगर फिर हम ये कमर बस्ता हो जाएं, तो फिर इंशाला कोई पहाड़ समंदर हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस वजन के जरिए और इस प्रोग्राम के जरिए इनशाला खलीजे खलीजी ममालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतम्मल नहीं हो सकता मैं नहीं बता सकता आपको ये शिफा सलार आपको नहीं बता सकते ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिनते करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को अपना मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई और खुदा का शुक्र है कि आई का एज ए टीम वर्क भरपूर दिन रात मेहनत से वो प्रोग्राम ऐसे हुआ और अब इनशाला दो दिन बाद बोर्ड की मीटिंग भी हो जाएगी बट दिस इज नॉट एनफ इट इज जस्ट The beginning of of a long journey of hard work and untiring efforts. करनी होगी। तो अगर हम इस को जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान खलीजी तैयार हैं तीन चार दिन पहले जब हमारी मीटिंग हुई तो वहाँ पर उनके सुफ्रा मौजूद थे जब हमें सिपाशल ने हमें वहां पर इनवाइट किया और वो बिल्कुल तैयार हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं और वो आए इन्वेस्टमेंट्स करें यहां पर अजलास पैदा करें और ये ज़मीन तो करेंगी क्या मत तक कोई नहीं इस जमीन को लेके जा सकता लेकिन वहां से अगर मशीनरी आती है जदीद आला आते हैं जिस तरह लेजर लेवलिंग की बात की अभी एक एक्सपर्ट ने और दूसरे आलात एक जमाना था ये बात हो रही थी और तो चालीस साल तीस साल पहले बन गई थी जहां पर जॉन डेयर के कॉम्बाइन हार्वेस्टर आते आते थे, आते थे और दूसरे आते थे लेकिन इस तरह खराब हुआ इस तरह बिगड़ा के उसके बारे में मजीद तफसी में जाने की जरूरत नहीं है आज फिर अल्लाह तला ने मौका दिया है हम सब इकट्ठे हैं हमें और देखिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई सरमा किसी मुल्क में सरमाकारी नहीं करता जब तक कि वहां के जो सियासी हालात वो स्टेबल ना हों बाहर की इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है अपने इन्वेस्ट नहीं करते तो इसलिए अगर हमने मिलकर पाकिस्तान को दोबारा अब अपने पाँव पे खड़ा करना है और बताना है उन अपने भाइयों दोस्तों को जिन्होंने हमारी हमेशा मदद की कि अब हम अपने पाँव पर खड़े होने जा रहे हैं तो यकीन करें वो दिल खोल कर यहाँ पर सरमाकारी करेंगे और इस प्रोग्राम के जरिए इन अगले चार पांच साल में मैं बहुत ज़्यादा जो हाई फिगर्स को करने का कायल नहीं हूं लेकिन अगर एवरेज और ले लें ले तो चार पांच साल में इस मैदान में इनशाला तीस चालीस अरब पचास डॉलर अरब की सरमाकारी कहीं नहीं गई और वो फिर आप इजनास पैदा करें जो लैंड आपकी जो काश्तकारी के काबल है मगर नहीं हो रही कि वहां पर पानी नहीं है यहाँ पर हम गए नहीं उसको हम बरुकार लाएंगे तो कितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी जो आप एक्सपोर्ट करेंगे डॉक्टर महबूबुल हक ने कहा था कि साठ की दिहाई में कि पाकिस्तान इज ग्रीन बास्केट फॉर द गल्फ स्टेट्स आज वो गल्फ स्टेट जो है या जी वो चालीस अरब डॉलर की अजनास पूरी दुनिया से मंगाते और हमारा हिस्सा जो है वो आटे में नमक के बराबर है अभी आपको दूसरे फिगर्स भी आपको मिले आई रिपीट देम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे इन इस प्रोग्राम से तकरीबन 40 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगे और हमारी जो ये किसान भाई ये इस बात की गवाही देंगे चूँकि हमारी जो कोल्ड चेन अवेलेबल नहीं है हमारे जो दूसरे जो जो अपना जो अरेंजमेंट्स है वो मौजूद नहीं हैं बेशुमार इनकी मेहनत जाया हो जाती है जब फल सब्जियां गलियों मोहल्लों में अपना गलते सटते हैं अगर देहातों में हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फरोग दें और इन नौजवान बच्चों को वहां पर हम छोटे अपना प्लांट्स लगाने के लिए कर्जे दें और वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल वो प्लांट्स लगाएं तो चाहे वो सब्जी है चाहे वो फ्रूट है उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा मैं समझता हूँ कि ये वो अभी मुझे अपना पेरिस में मिले मुझे वो इस्लामिक बैंक के चेयरमैन उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आपका जो बासमती चावल बड़ा ज़बरदस्त है तो सरदार एयाज सादक मेरे साथ खड़े थे मैंने कहा इन शह एक और इनको तोहफा भिजवाएंगे और जो सबसे लंबा बासमती चावल जो है वो हम इनको भिजवाएंगे लेकिन अब बासमती में अब आपके और भी कॉम्पिटिशन आगे कॉम्पिटिटर आ, आ गए हैं दुनिया में तो मैं समझता हूँ कि हमें इनशाला जिस तरह यहाँ पर बताया गया कि हमें अपने अल्लाह पर तोकल करना होगा हमें उठना होगा और इस बात को तस्लीम करना होगा कि हम माजी को खैर बात कह के रोना धोना नहीं हिम्मत करके इन शह पाकिस्तान को इनशा उसका खोए व मुकाम ज़रूर दिलवाएंगे और ये किस तरह होगा मुझे बार बार फिर उन्हीं इशार पर इकबाल के मुझे तकिया करना पड़ता है कि वो बहुत मसम्राइजिंग उसका पैगाम है इकबाल का के तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले और नहीं ये शान खुदारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले कोई जेब गलो कर ले मेरे बुजुर्गो नौजवान साथियों बहनों मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है ये हमारा एक मुश्तरका कौमी हमारा फरीजा है हमारी ज़िम्मेदारी है और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ सिपाही सलार साहब का उनकी पूरी इस तावन का और कमिटमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वज़ी ज़रात का और अपनी टीम का और मैं इन्वाइट करता हूँ उन तमाम एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को, को आएँ जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं कि वो आएँ हमारी मदद करें और इन मेरा ईमान है मेरा ईमान है कि फिर एक दो साल में ये हमारी माशी जो इकानमी है ये रिवाइव हो जाएगी और ज़रूर होगी फिर आप देखेंगे कि फिर मुझे या किसी और को या सिपा सलार को बाहर जाकर कर्जे नहीं मांगने पड़ेंगे बल्कि यहाँ पर सरमाकार आएंगे और कहेंगे जनाब हम इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी लाते हैं हम टेक्नोलॉजी लाते हैं हम अपना प्रोडक्शन करेंगे और वापस लेके जाएंगे। जिस शुरू में जिस तरह किसी ने कहा बहुत सही कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट इज नॉट ऑल एंड कम्पासिंग इट्स नॉट अबाउट ओनली गांज एंड मोटर एंड एयरप्लेन इट्स अबाउट फूड सिक्योरिटी इट्स अबाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो ये सारी एक दुनिया में आज इसकी नई डेफिनेशन है इसकी अब नई इस तरह है मैं समझता हूँ कि आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी का तकादा ये है कि हम अपनी माशी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं और जरिए माश को बहुत मज़बूत बनाएं पाकिस्तान ने हमें तमाम मसाइल दिए हैं मैं आप सबका आखिर में शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर बात ख़त्म करता हूँ किसान भाई मेरे सरों के ताज हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन हम मिलकर जो कुछ भी हम इन मुश्किल हालात में के बावजूद कर सकें हमने किया और आइंदा जो भी हुकूमत आएगी इंतबात के बाद इन शाह हम मिलकर हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप पाकिस्तान की ज़मीन से सोना उगलें और पाकिस्तान को ये जो कर्ज की मै से आप जान छोड़ाएँ अल्लाह ताली ने यह इख्तियार दिया है आपको ये अल्लाह ताली ने मलाइा दी और आप ये ज़रूर करेंगे और ये ज़रूर होगा मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि जब अपना काफिला अजब यकीन से निकलेगा जब अपना काफिला अजब यकीन से निकलेगा जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा वतन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा पाकिस्तान पाइंदाबाद